एवरीवन, वेलकम टू रश्मि सानू कुक हाउस। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी, वो है चॉकलेट केक। चॉकलेट केक हम बनाएंगे बिस्किट से, जो बहुत आसानी से बनता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे हमें कोई मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं, ना मैदा ना बटर, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये घर में जो भी चीज़ें हैं उससे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे बिस्किट केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट्स 2 पैक 200 ग्राम, दोनों मिला के 200 ग्राम हो जाएगा। 1/4 कप ट्यूटी फ्रूटी, 2 टीस्पून शुगर, 1 कप मिल्क, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 इनो का सैशेट, और मैंने यहाँ पे टिन को बटर से ग्रीस कर लिया है और अवन को 180 डिग्री में 10 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर। मैं यहाँ पे पूरे अपने बिस्किट्स मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर करूँगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चोको चिप्स जो है वो इस बिस्किट में ऑलरेडी है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कौन सा भी बिस्किट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम ग्राइंड करते वक्त ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून शुगर और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पाउडर कर लिया है बिस्किट को। तो अब हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। आप 2 टेबलस्पून बटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसे मिक्स किया है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे ट्यूटी फ्रूटी। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्यूटी फ्रूटी ऐड किया है। हमेशा केक बनाने से पहले ही हमारा अवन को प्री हीट बनाने के लिए रखना चाहिए और हमारे टिन को भी अच्छी तरह से बटर या ऑयल से इसको ग्रीसिंग कर लेना चाहिए। कभी ऐसे मत कीजिए कि केक रेडी होने के बाद, बैटर रेडी होने के बाद टिन रेडी करने हम बैठेंगे तो हमारा जो इसमें हम इनो या बेकिंग पाउडर कुछ भी डाल के हम जो बैटर को रेडी करते हैं तो वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। तो जब एक्टिवेट हो जाता है तो हम इसको डायरेक्टली रेडी किया हुआ टिन में डाल देना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही दब जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो 1 पूरा सैशेट। हम इसको अच्छी तरह से अब इसको मिलाएंगे। और इसको हम टिन में ट्रांसफर कर देंगे। इनो डालने के बाद इसको एक बार इसको ऐसे मिक्स कर देंगे, ज़्यादा ना मिक्स करें। तो अब हम इसको टिन में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए अभी हमारा टिन में डाल दिया है मैंने। अब इसको हम 3 बार ऐसे टैप कर देंगे ताकि इसमें से जो एयर कंटेंट है वो जाए। अब हम इसको डालेंगे प्री हीटेड अवन में। देखिए मैंने अवन में टिन को रख दिया है। अब हम इसको 180 डिग्री पर 45 मिनट्स तक बेक करेंगे। ये देखिए अभी हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको 40 मिनट्स के बाद निकाल दिया था और इसको कूल डाउन होने के बाद गार्निश किया है चॉकलेट गनाश और कैरमल सॉस के साथ। तो ये देखिए अब हम इसको कट करेंगे।
देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है और फ्लफी है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने का मत भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।